इस रूम में बस मेरी मशीन और है ना फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये बहुत गंदा हो गया था तो फिर इसको क्लीन कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने अभी पिछला रूम देखा ना, कितना मतलब फैला हुआ था, तो मुझे उसको व्यवस्थित करना था। तो मतलब है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो कपड़े वपड़े रहते हैं, जो मतलब टाले टाइप की जो भी बेकार चीज़ें रहती है ना, सब उसमें भर देते हैं। और उसके कारण है ना, मेरे जो रूम है आज देखो कितना ख़तरनाक हो रहा है कि वहाँ के बहुत सारे कपड़े यहाँ आ गए, और जिसको मुझे देना होगा ना तो मैं दे दूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो मैं आज बहुत परेशान हो गई हूँ। 12 बजे से करते करते मुझे 4:30 बज गई है और अभी तक का मेरा काम बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है। और सोनी को आपने अभी देखा ना, कितनी रो रही है, पर मुझे है ना ये काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था तो मैं ना आज कर ही लेती। चलिए बने रहिए। पीछे के रूम के कारण है ना मेरा ये रूम भी है ना बहुत गंदा हो गया, तो मैंने है ना पीछे से सारे कपड़े ला के यहाँ पर रख दिए थे। और बिस्तर भी थे जो, बस वो सब भी उठाना था क्योंकि मैंने बिस्तर इस्तर सब इसी कमरे में रख रखे थे। ये तो है ना पीछे वाले कमरे में मैं रखती हूँ, तो आज ये सब मुझे यहीं रखना पड़ा। तो बस मैं यही सब साफ़ कर रही थी और बस मेरा है ना वो पीछे वाला रूम साफ़ हो जाएगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। सुबह से कर रही हूँ मैं 12 बजे से, तो दिन भर आज मेरा हो गया। और यहाँ पर कपड़े घड़ी कर करके मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि उधर भी बहुत सारे कपड़े थे और मैंने बहुत सारे कपड़े छाट लिए हैं, जो जो मुझे रखना थे तो मैंने बस वही रखे हैं। और यहाँ महक मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प भी कर रही है और मेरे साथ थोड़ी सी क्या है मस्ती कर रही थी, तो बस हम दोनों ऐसे ही बात करते करते और अपना काम कर रहे हैं। ज़्यादातर तो क्या होता है महक ही मेरा मतलब जैसे घर का जो काम है वही हेल्प करती रहती है, तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। तो बस मेरा यहाँ पर ये सब क्लीन हो चुका है और ये जो है ना इसको मैं उठा के और पीछे रूम में रख दूँगी क्योंकि इसमें सोनी के कपड़े हैं तो डेली उसके कपड़े थे, तो वो पीछे रख दूँगी मैं। और आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर मेरा सब हो चुका है, बस अब मुझे पोछा लगाना बाकी है। और ये सुबह से शाम तक का करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, फिर बीच में मैं खाना बनाने भी चली गई थी, तो यहाँ पर मैं पोछा भी लगा लूँगी थोड़ी देर से। और सोनी आप देख ही रहे हो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत मतलब रो रही है, पर फिर भी मुझे उसको दूध पिलाना था तो वो ही पिला रही थी। यहाँ पर ये सब हो चुका है रूम साफ। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।